उन्हें क्या चाहिए, इस पर जहां कुछ को टैक्स स्लैब में संशोधन की उम्मीद है, तो वहीं कई लोगों को उम्मीद है कि सरकार महंगाई को कम करने की दिशा में काम करेगी। सुनिए। Well, everyone has their concerns in their mind, and to share some, we are joined by a few people here. First, Mehak, I'll come to you. You know, me and you, everyone is a taxpayer here, and we particularly belong to middle class family. We have our own woes. What are your expectations from this particular budget? I feel this budget should be very populous, considering that the next year is the election year, and also, since this would be the best time for the government to start working and showcasing their vision for the next year, for the Absolutely. Next 5 years. Absolutely. So I feel that there should be a lot of exemptions, lot of changes in the policy, and also belonging to the fintech industry, I feel this would be the best time to introduce e-rupee linked subsidies. Wow. Yeah. Yes. And Finland is a great case study, but there's a lot more scope in India. मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अभी सैलरीज के बजट के लिए जो 2.5 लाख का अभी एक्सटेम टैक्स एग्जम्पशन है जी। तो वो बढ़ना चाहिए 5 लाख के ऊपर, 7.5 लाख तक बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी सभी लोगों का सैलरी बहुत हाई हो चुका है 7 पे के वजह से, और DA हाई हुआ है सबका, तो इसलिए वो टैक्स के लिए कोई बेनिफिट होना चाहिए या सेविंग का स्लैब कुछ बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। एवरेज 6-7 लाख रुपए सैलरी होने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। मतलब जब से मोदी गवर्नमेंट आया तब लोग हम लोगों ने सोचा था 2014 के बाद बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख से 5 से 7.5 हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ बदलाव नहीं स्पेसिफिकली। मुझे तो कुछ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये गवर्नमेंट में इसके बारे में सोचना चाहिए। बेसिक अपना ATC का डिडक्शन है 1.5 लाख का, उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं। कब से 1.5 लाख है, मतलब मैं जब से 10वीं 12वीं था तब से 1.5 लाख का एग्जम्पशन है, अभी उसके बारे में कुछ नहीं। ATD का है, उसका मेडिक्लेम का, उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। मुझे लगता है एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब ये करने के लिए एक 8-9 लाख का पैकेज होने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। ये बाइडे GST इज गेटिंग मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। आई वुड एक्सपेक्ट दैट गवर्नमेंट स्ट्रीमलाइन दिस प्रोसेसेस, द टेक्निकल पार्ट एंड ऑल्सो द रेट्स। लाइक रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड चार्जिंग GST ऑन फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो, सो दिस आई थिंक शुड बी some items should be exempted, so that even the average and poor class, middle class poor people also afford it. तो युवा पीढ़ी को और खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों को काफी उम्मीदें हैं, कई तरीके के संशोधन की भी उन्होंने बात की। और इस बीच आपको बता दें कि बजट पेश होने से पहले हमने मध्यम